हाय दोस्तों, उत्तराखंड से मैं इंटर हो चुका हूँ हिमाचल में। और हिमाचल में इस वक्त मैं आया हूँ रोडू से 40-45 किलोमीटर ऊपर एक गांव है जांगलिक, जहाँ से ट्रैक जाता है चंद्रनाहन लेक के लिए, बुरान घाटी के लिए। और अभी रोडू से आज मैं दो बस बदल के यहाँ पहुँचा। एक गांव आया है तांगणू, और यहाँ तक बस आई। और इसके बाद मुझे इस तरफ पीछे पैदल जाना है जांगलिक तक, जो है कोई कम से कम 5 किलोमीटर तो होगा आराम से। तो वैसे कच्चा रास्ता जाता है, कोई कोई गाड़ी भी जाती है, पर मैं बीचों बीच पगडंडी लेके जा रहा हूँ खेतों के बीचों बीच। तो गाड़ी का कोई भरोसा नहीं है, किसी में जगह होती है किसी में नहीं होती। और एरिया अच्छा है, इतना सुंदर मौसम है, तो चलते हैं। ये देखो कितनी सुंदर हरियाली छाई हुई है इस तरफ, ये तांगणू जो गांव था इसके खेत। और ये सामने जो वैली दिख रही है, पाडर वैली बोलते हैं इसको, क्योंकि नीचे जो नदी चल रही है इसका नाम है पाडर नदी, तो उधर जाना है। तो इस साइड में पहली बार आया हूँ, और यहाँ एक देखो पुल हुआ करता था जो कि लैंडस्लाइड की वजह से शायद ख़त्म ही हो गया। तो ऐसे दूर दराज के इलाकों में जो गांव वगैरह होते हैं, वो लोगों को ऐसी बड़ी परेशानियां होती है मौसम को लेके, कुदरत की वजह से। और इलाका बहुत सुंदर है, ये पानी कितना साफ, इतनी हरियाली, मैंने सोचा नहीं था रोडू के ऊपर ऐसा एरिया होगा। जांगलिक गांव एक बड़ा ही सुंदर और कहते हैं कि ट्रेडिशनल जो हिमाचली गांव है, बिल्कुल वैसा का वैसा है अभी भी, उसी तरीके के वहां पे पुराने स्टाइल के घर बने हुए हैं। और चारों तरफ का जो नज़ारा है वो तो है ही बाकमाल। रास्ते के चलते चलते बीच में फिर एक छोटी पगडंडी दिख गई जो ऊपर की ओर आती है गांव में, तो उसको फॉलो करते करते शॉर्टकट ट्रैक लिया। ये हिमाचल का एक तरह से सबसे दूर दराज वाला जो कोना हम कह सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट हिमाचल का सबसे ऊपर वाला इलाका है ये। और टूरिज्म इस तरफ उतना है नहीं। हाँ जी, तो ये है छोटा सा प्यारा सा जांगलिक गांव। ये चाचा चाची गायों को ले जा रहे चराने, खेत जा रहे फोटो का। अरे वाह, मैं कहा गाय चराने जा रहे खेतों में? ना ना ऊपर। अच्छा ऊपर जंगल में? हाँ, आप चाहते हैं यहाँ? अच्छा उधर ही। फिर वापस कब आओगे? शाम को। शाम को? हाँ। दिन भर वहीं चराना, ठीक। खाना माना? खा लिया अभी, खा लिया, फिर शाम को खाना गोद में। और क्या है, दिन में फिर कैसे चलेगा? ऊपर है, फिर होटल है, चाय वाय पिएंगे। अच्छा बढ़िया, फिर तो ये लोग भी चराने जा रहे आपके साथ। अच्छा, तो आपका यही काम कैसे, सुबह चना चराने शाम को वापिस आना? शाम को। बढ़िया फिर। हाँ फिर तो संगत हो जाती है साथ में, गप्पे मारते रहते हैं, टाइम पास भी हो जाता। चलो बढ़िया है। मैं हरियाणा से। हरियाणा से? आप गप्पे मार रहे हैं? चलो बढ़िया। और घर भी बड़े प्यारे हैं आपके, ऐसे वाले जो मकान होते हैं ना, मेरे को बड़े अच्छे लगते हैं ये। अच्छे लगते हैं? हाँ, मिट्टी लकड़ी पत्थर,
के मकान, ये सबसे वाले पुराने जो है इधर वाले ना, कोठार। तो उसको क्या क्या रखते हैं उसमें? राशन पानी। अच्छा, राशन पानी रखने के लिए होता है। ये बीच वाला जो अंदर जो मकान है, ये मेरे को काफी पुराने लग रहे हैं। ये बोलते हैं आंटी जी, इसको कोठार बोलते हैं। इसकी छत प्रॉपर देखो ढकी हुई, इसके अंदर अपने घरों का पूरा अनाज और राशन स्टोर करके रखते हैं। तो ये छत इतनी मजबूत है, दीवारें भी, कि सर्दियों में कितनी भी बर्फ़ गिरती है तो अंदर अनाज को ना तो सीलन जाती है और ना ख़राब होता है। पानी की तो पहाड़ों में वैसे ही कोई कमी नहीं होती, आजकल तो ऊपर से बर्फ़ पिघल के आ रही है, तो छोटे मोटे नाले गांव के बीचों बीच भी होके निकलते रहते हैं। वाह, एक ये वाला घर, इन्होंने देखो प्रॉपर पेंट भी कितना अच्छा किया हुआ है बीच बीच में। ये पानी का सोर्स है, यहाँ के लोग यहाँ से पानी भर के जाते हैं अपने अपने घरों में। इधर ये आ रहे जनाब घास लेके। नमस्ते। घास लाए गाय के लिए। तो यहाँ ये आंटी जी मेरे को मिले थे, तो ये इनका घर। नमस्ते सर, ठीक हो? पापा? क्या बना रहे? क्या बनने आ रहे? उधर ऊन कट्ठा रखा हुआ है ना, ये दीवार पे जो टंगा है ना, दूसरे मकान है पर ये ऊन है, धागे धागे। देखो हर जगह पे ऊन के धागे बना बना के रखे हुए आंटी जी ने। हाँ, ये आप कब बनाते हो? सर्दियों में। ये किसके उसके है? उन भेड़ों का। भेड़ों के उन। फिर इनसे आप ये कपड़े बना लेते हो? कपड़े बनाते हैं ऐसे कपड़े। अच्छा, अपने लिए जैकेट वगैरह। हाँ। वो भी सर्दियों में ही? हाँ, सर्दियों में बनाते हैं। चलो बढ़िया फिर तो। तो ये यहाँ पे ऐसे होती है बालकनी, ये इस तरफ दूसरा पोर्शन, और यहाँ वो बालकनी के उसमें बैठने का बना हुआ है छोटा सा जगह हर घर में। वहाँ पे दिन में लोग अपने अपने बैठे होते हैं अगर खाली वक्त में, सामने फिर ये नज़ारा निहार रहे होते हैं। क्या आपकी भैंस होती है, गाय होती है? हमारे गाय भी रहती है, भैंस भी होती है। अच्छा। दोनों ही रखते हैं। अच्छा। दो दो तीन तीन मतलब हर घर में। हाँ, पहले अपना घर का रखते हैं, सब घर वालों के लिए पीने के लिए थोड़ा दही जमा लिया, उसका घी निकल गया, उसके बाद बचता ऊपर वाला वो बेचते भी है अगर वो एक्स्ट्रा हो गया तो। आपके तो इधर बेचने वाला नहीं होगा? नहीं, नहीं, हम तो अपने गाय, हमारे तो लोकल गाय। हाँ, उसी का घर के लिए सारा, घर के लिए होता है उसका तो। उसी का घी निकाल लिया, उसी का दूध, उसी का दूध दही सब कुछ, लस्सी। बढ़िया है, और क्या, सादा खाना, सादा जीना, यही तो पहाड़ों की खासियत है। तो चलो जी, अब चलते हैं ऊपर गांव की सैर करने। ये देखो इतनी बड़ी बड़ी जो पत्थर की स्लेट्स जिनसे घर की जो छतें हैं यहाँ की बनाई हुई, ये भाई घर है आंटी जी का ही। इट्स ब्यूटीफुल। आज की रात चलो यहाँ पे रहने का सौभाग्य मिला है। तो ये है गांव का मंदिर, गांव के ठीक बीचों बीच शाम के वक्त पहाड़ों में नज़ारा अलग ही होता है। सनसेट अभी हुआ नहीं है, टाइम लगेगा, पर बरसात का मौसम हो रखा है इस वजह से थोड़ा ऐसा ऐसा लग रहा है जैसे कि सूरज भी ढलने वाला है।
घरों की चिमनियों से उठता धुआं ये बता रहा है कि शाम का खाना बनाने का टाइम हो गया है। हर घर के बाहर पूरे सीज़न के लिए इनफ लकड़ी स्टोर करके रखी हुई होती है। छत के ऊपर भी कुछ ना कुछ इंतज़ाम करके रखते हैं ये, और इसलिए कि यहाँ बारिश और जो बर्फ़ का मौसम होता है उस टाइम फिर बड़ी दिक्कत होती है खाना बनाने के लिए, कोई भी ईंधन जो है उसको तलाश करने के लिए, क्योंकि सब कुछ गीला हो रखा होता है। कोई कई लकड़ियां तो ये देखो ऐसी है कि जिनको यूज़ ही नहीं किया, स्टोर करके रख दिया। और ये मकान देखो, इसका बेस कितने सारे पत्थरों से बनाया हुआ है। उसके बाद यहाँ से प्रॉपरली देखते हैं जो नीचे का इलाका, उसमें अपने इनके डंगर पशु होते हैं, और ऊपर वाले में खुद घर के लोग। इसको देख लेते हैं, ये देखो बड़ा छोटा सा है। ये इस तरफ लकड़ी का जो बना हुआ है गायों को चारा डालने के लिए। हमारे वहाँ ईंट के बनाते हैं जैसे नीचे मैदानी इलाकों में, यहाँ पूरा का पूरा ये लकड़ी का है। मोस्टली घर इस गांव के उसी तरीके के, जो कि एक अच्छी बात है। और यहाँ देखो ये पुराना स्टाइल का दरवाज़ा, इसको खोलने के लिए ये बना हुआ है। अंदर की तरफ खोलना है, धक्का देके इसको खोल दिया और खींच के इसको बंद कर दिया। और ये देखो गेट लॉक करने का स्टाइल, अंदर रस्सी से वहाँ अटकाया हुआ है, बांधा हुआ है एक्चुअल में, और ये डंडा यहाँ पे। तो अब क्या कि अंदर से ये दरवाज़ा नहीं खुल सकता, बाहर से ही खुल सकता है। और ये यहाँ का कोई है ट्रेडिशन, दरवाज़े के ऊपर ये जो स्कल्पचर्स हैं इस तरीके के टांग के रखना। पहाड़ों के भी अपने देवी देवता होते हैं, उनकी पूजा होती है, तो ये भी कोई ना कोई कनेक्शन है। वाव यार, आई एम जस्ट सो अमेज्ड विद दिस विलेज। ये भी मंदिर के ठीक सामने यहाँ का गेट जो कि बंद है अभी, लोकल्स के लिए ही है ये। और इसके बाहर ये 2 घंटे लगे हैं। ये यहाँ का डिज़ाइन, ये सब के सब यहाँ पूजा के वक्त लगाए गए हैं मेरे ख्याल में, देवता साहिब जाक जांगलिक। इस तरफ भी मंदिर के बाद इस गांव के बीचों बीच की गली से थोड़ा और नज़ारा देखते हुए मैं तो यार ये इनके देख देख के इतना अच्छा लगता है, मेरे को रुक ही जाता हूँ मैं। ये गाय आ रही है वापस चर के। दिस इज इनक्रेडिबल यार। सबसे अच्छी बात ये है इधर के मकानों की, ये देखो बीच में कहीं पर भी सीमेंट या जो गारा होता है मिट्टी, वो कहीं पर भी यूज नहीं है, प्योरली पत्थर, पत्थरों के बीच में लकड़ी, लकड़ी फिर आगे पत्थर, ऐसे कर करके बनाए हुए हैं। जो
लो जी यहाँ फिर दो दादियाँ। नमस्ते, ठीक हो? बतिया रे कितने सुंदर दादी जी, देखो कान में, नाक में, हाथों में, है ना? ठीक हो आप? सेहत ठीक है? अच्छा अच्छा, कान बंद हो गया। कान बंद हो गया? कितना टाइम हुआ? हाँ बोला कितना टाइम हुआ? बोला दादी का उम्र का गिनना क्या, जितना जी लिया उतना बढ़िया है। साल गिनते गिनते तो परेशानी होना इंसान ने। चलो बढ़िया, फिर बाकी से ठीक है? क्या ठीक होनी चाहिए, अब तो ऐसे जो बुढ़ापे में वैसे ही जो। हाँ हाँ, बुढ़ापे में होता है दिक्कतें, तो बीमारी लगती रहती है, तब का ठीक होना। जितना तकलीफ कम उतना अच्छा है, अपना ठीक ठाक बैठे रहे हैं। तो ठीक ठाक है, आपके बीच बैठे हैं, बातें कर रहे हैं, वही बहुत अच्छा है। दादी क्या निकाल रहे? अच्छा ये छोटे बादाम, क्या बोलते हैं इनको? है? जो हमारी बेमी होती है ना, पेड़ होती है, तेल निकालते हैं। क्या 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 बनाते हैं फिर इसका? तेल बनता, तेल। अच्छा इसका बनता है तेल? बहुत ये टेस्टी तेल होता है, इसकी तो दुआई बनती है। खाना में भी डालते हैं? खाने के लिए होते हैं। और दवाई क्या किस काम आती है वो? दवाई नहीं, खाने के लिए। अच्छा अच्छा, जो लोग आजकल तड़का लगाते हैं उसमें तेल डालते हैं, तो आप लोग यहाँ ये आधा दिखाना, दूसरा दान होता है ये निकालते है हम, और इसे निकालते है छोल के निकलते है ये इसको तोड़ेंगे बादाम को तोड़ते हैं जैसे। वैसे ही अब जा मशीन है नहीं, ठंडा हाथ के से इसको लेते हैं मशीन में। अच्छा तेल निकालने के लिए इसको, हाँ जो इसका दाना अंदर से निकलता है उसको मशीन में डालते हैं। निकाले वो दाना, ठीक अंदर का दाना, कड़वा जैसा दाना तो कड़वा होता है ना। हाँ दाने का टेस्ट थोड़ा कड़वा रहता है, पर चलो बढ़िया, अच्छी बात है। तेल ठीक निकलता है, बढ़िया ही है। दुकानों में जो अब बाजार से आता है उससे तो बहुत अच्छा है। ये क्या, इसका तो कुछ नहीं लगता, इसका तो बहुत ही होता ना, शरीर में कोई तकलीफ होती उसमें कुछ बीमारी नहीं है, घी के बराबर काम करता है ना। चलो बढ़िया, फिर तो जैसी दुआई खांसी पे लिया। अच्छा ओ पिएगा तब बंद। अच्छा खांसी बंद है? हाँ बढ़िया, आपके तो मौसम ठंडा रहता है यहाँ पे, तो खांसी जुकाम हो जाता है तो कभी कभार ये ठीक रहता है। इस साल तो बहुत ठंडा है, इस बार तो अभी तक बर्फ गिर रही है, बारिश होगी तो फिर बर्फ लग रही है। हाँ भी, यहां देखो अभी ताजा ही, देखो अभी मौसम थोड़ा ठीक हुआ है। नीचे से आ गया कि ऊपर जाना है? मैं आज ही आया हूँ रोडू से, तो कल जाना ऊपर। नहीं नहीं पीछे ऊपर जाना, तुम माँ आ जा है? हैं आ जा? हाँ आज ही आया। कहाँ के आप तो? मैं हरियाणा। हरियाणा? हाँ हरियाणा, तो हिमाचल के आगे बात तो समझते है ना। ना मैं थोड़ा हिमाचल में, दोस्त भी है मेरे। अच्छा, और यहाँ घूम घूम के थोड़ा थोड़ा तब बात आती है थोड़ा थोड़ा। यहाँ देखो ये इधर वाला जो घर है,
ये लकड़ी का छोटा ब्रिज बनाया हुआ है यहीं से चढ़ के वो घर में जाते हैं, है ना। ओ इनका जबरू कुत्ता बैठा हुआ है सामने, वाह यार। ऐसा लगता है यहाँ तो बोलने की जरूरत ही नहीं है, आराम से चुपचाप पूरा का पूरा जो सीन है देखते चलो। तो गांव का टूर हो गया है, अभी यहाँ चाची जी के पास, बाहर हो गया ठंडा मौसम। तो ये देखो कितना छोटा सा प्यारा सा किचन है, आंटी जी कर रहे खाने की तैयारी। अच्छा इसको क्या बोलते हैं, बुखारी बोलते हैं ना, बुखारी चूल्हा, चूल्हा बुखारी दोनों चीज का काम करती है। इसको गर्म भी रखती है, ऊपर चिमनी से धुआं बाहर निकल जाता है। अच्छा इसको क्या बोलते हैं आप, इसको बोलते हैं हम परात, परात गूंदने की, हमारे भी परात बोलते हैं इसको, आटे गूंदने की परात। पर हमारे थोड़ी सी वो ऐसे होती है ना, स्टील स्टील की होती, नहीं नहीं होती इसी की रहता है पीतल की, पर थोड़ी चौड़ी होती है, इतनी गहरी नहीं होती, क्योंकि हम परिवार हैं छोटा परिवार। हाँ जब होते बड़े परिवार दूसरी भी है, एक बड़ी जैसी मोटी मोटी रखते हैं, यहाँ छोटे परिवार के लिए अभी छोटी जैसी है। ठीक है। अच्छा इसमें आटा भी गूंथते हैं। नाम क्या है जी आपका? मेरा नाम रविंदर, रविंदर। अच्छा अरे वाह चाची जी, वेरी वेरी गुड। तो मेरे को देख के पानी आ रहा है मुंह में। ठीक होने बना, अरे बहुत सुंदर, बहुत पक गए होने, तो ये बाद में ही पकाते हैं। हां चाची ने आज पनीर बनाया है, ये ताला किसके लिए? इसके लिए, इसके लिए आग ना सारी ऊपर जाएगी, फिर इसको नीचे खींचेगी, तब इसको थोड़ा टेढ़ा करेगी, फिर आग रहेगी इसमें। अच्छा नहीं तो सारी ऊपर निकलेगी ना। ठीक, तो इसका भी लॉक ही है, बाहर ही आता तब इसको लॉक है क्या। अच्छा ये ताला नीचे रहेगा तो आग सारी ऊपर निकल जाएगी, निकल जाएगी फिर, और इसको अटका के रखोगे तो आग इसके नीचे जलती रहेगी। आंटी जी भी ताज़ा दही बिलाएंगे, इससे बनेगा मक्खन, मक्खन और लस्सी। सर्दियों में हमारे बाजरा होता है, मतलब बाजरे की रोटी, वो होता भी बरसात के टाइम पे ही है, पर उसकी रोटी सर्दियों में अच्छी रहती है। तो कभी वो भी बोल लेते हैं, मतलब घर पे खाने जितना अनाज हो जाए बस उसका। मक्खन चलेगा घी? हाँ चलेगा, खूब चलेगा, घी मक्खन लस्सी ताज़ा ताज़ा बनी है, देखो पनीर की सब्जी है, गर्मा गर्म रोटी, ठंडा मौसम, पहाड़ी वादियाँ। थैंक यू बहुत बहुत। ये देखो ये खाना हर किसी को नसीब नहीं होता है ना। गुड मॉर्निंग, कल शाम को फिर खाना खाया, इतना स्वाद बनाया आंटी जी ने, सब कुछ ताज़ा फ्रेश पहाड़ी खाना। अभी उठाऊँ मैं, ठंड काफ़ी है और पर मौसम अच्छा है, धूप निकल चुकी है, तो चाय नाश्ता करके फिर मैं निकलूँगा ट्रैक के लिए। तो गांव का जो टूर है वो यहीं तक, यहाँ से आगे करते हैं ट्रैकिंग।